अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस, लेक्चर नंबर 2। टुडे आवर टॉपिक्स आर नंबर 1 अल्कलीज, नंबर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलीज, नंबर 3 यूजेस ऑफ अल्कलीज एंड नंबर 4 एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। सो फर्स्ट वी स्टार्ट टॉपिक नंबर फर्स्ट, अल्कलीज। अल्कलीज In 15th century, a chemist recognized another group which had bitter taste or called alkalis. It means 15th century में acid सा गड़ो गड़ इन्होंने एक बियो chemist, एक scientist या chemist, उन्होंने एक बियो substance में गोल लेदो। Chemist recognized another substance. Which had bitter taste. यानी taste क्या हुआ? Which had bitter taste. केमिस्ट 15th सेंचुरी में केमिस्ट जो एक बियो सब केमिकल सबिस्टेंस जो ग्रुप रिकॉग्नाइज किया जैसे टेस्ट जो हुआ हुई बिटर इन के चाहिए बिटर मीन्स बिटर्स के अल्कलीज नाम हुए अल्कलीज व्हिच वर यूज्ड इन गुड क्लीनिंग रिएजेंट used as a good good cleaning reagent or agent jake क्लीनिंग के लिए एक गुड एजेंट जो करार जैसे असर चाहते थे बेस गुड एजेंट गुड गुड क्लीनिंग एजेंट कॉल बेस सेम थिंग्स बेस आल्सो कॉल अल्कलीज अल्कलीज आल्सो कॉल बेस इट मीन्स यानी कि 15th सदी में जो है वो साइंटिस्ट केमिस्ट ने एक और केमिकल सब्सटेंस जो है वो दरियाफ्त किया जिसकी टेस्ट जो थी वो बिटर थी और उसे अल्कलीज कहा गया जिसको हम अल्कलीज कहते हैं और उसकी जो इस्तेमाल जो है वो किस चीज़ में उसे उन्होंने उसकी के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट्स की तो उन्हें पता चला कि ये जो है वो क्लीनिंग के लिए गुड एजेंट है किसी भी चीज़ में चाहे वो हाउस होल्ड हो या जो भी हमारे घरों में यूज़ होने वाले जो भी मटेरियल्स होते हैं जो भी सब सोप सोस सर्फ वगैरह हो जो भी चीज़ होती है उसमें सो सम एसिड्स आर सम अल्कलीज आर स्ट्रांग आर सम आर वीक वीक अल्कलीज आर which alkalis which we use in our daily lives tea and baking soda are called weak alkalis which we use in our daily lives and strong alkalis strong alkalis or washing soda which we use washing anything or cleaning soda washing soda for example of cleaning like a household cleaning contain ammonia for example household cleaning materials contain ammonia
अमोनिया विच यूज फॉर क्लीनिंग और सोडियम हाइड्रोक्साइड्स सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड सो वीक अल्कलीज जो है वो जैसे जो हम एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं जैसे टी एंड बेकिंग सोडा जो हम विच वी यूज़ इन अवर फूड्स जो हम अपने फूड्स में यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा वो वीक अल्कलीज होते हैं और जो स्ट्रांग अल्कलीज होते हैं जैसे हम यूज़ करते हैं वॉशिंग सोडा और हाउस होल्ड क्लीनिंग जिसमें अमोनियम भी होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होते हैं वो हम यूज़ करते हैं वॉशिंग जो है वो हाउस होल्ड क्लीनिंग यानी कि डिफरेंट प्रोसेस में जो क्लीनिंग फॉर एग्जांपल उसमें जो हमारे हाउस के जो हाउल्ड हैं जो भी चीज़ें उसमें आ जाएंगी फॉर एग्जांपल फर्श को क्लीन करने के लिए फिनाइल वगैरह यूज़ करते हैं या फिर सरफेस और सोप्स जो यूज़ करते हैं हम सो नाउ यूजेज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलीज प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलीज नंबर टू properties of alkalis and properties of alkalis first physical properties and physical property number first they have a bitter taste alkalis jo hoti hain wo bitter unki jo taste hoti hai wo bitter hoti hai They have bitter taste. इनकी जो टेस्ट होती है वो बिटर यानी कि जो भी चीज़ हमें बिटर महसूस होगी वो अल्कलीज होंगी फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं उसकी जो टेस्ट होती है वो बिटर होगी तो वो अल्कलीज होगी जैसे हम कल जो है पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो है वो जिन केमिकल्स की जो सोयर टेस्ट होगी वो क्या होंगे एसिड्स होंगे इसी तरह जो केमिकल जिसकी बिटर टेस्ट होगी वो क्या होंगे वो अल्कलीज कहलाएंगे नंबर सेकंड इफ वी वांट टू चेक अ सॉल्यूशन दे टर्न रेड लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर ब्लू अगर हम किसी सॉल्यूशन को अगर जगह ऐसा कहें सॉल्यूशन के टेस्ट आ क्या हुआ है जो लिटमस पेपर की मदद सा पहले असर पर लिटमस पेपर छा है एक इंडिकेटर है जो असें कें शे के असें चेक करने असें बुधाइंदो आहे उनकी निशानी कंदो आहे त माना ही शे कड़ी आहे लिक्विड सॉरी एसिड आ या बेस आए सो अगर जो कोई सॉल्यूशन अस खाऊँ था उनके अस चेक था क्यों सॉल्यूशन अस खबर पे छाजो है तो उनके अस चेक कराजी उनमें अस रेड लिटमस पेपर यूज कंदासी तो उन जो रेड कलर हो वो चेंज न चाहो ब्लू कलर में वो किस में चेंज होगा रेड कलर जो है वो ब्लू कलर में चेंज होगा हमें पता चलेगा कि ये जो सॉल्यूशन है वो किसका है ये सॉल्यूशन जो है वो अल्कलीज का है जैसे कल हमें पता था अगर एसिड की करेंगे तो वो ब्लू कलर कन्वर्ट होगा चेंज होगा किसमें रेड में जो ब्लू लिटमस पेपर होगा वो अपना कलर जो होगा वो रेड में शो करेगा एंड नंबर थर्ड दे डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन dissolve in a solution and produce hydroxide ions
हाइड्रोक्साइड आयंस सैम्बल्स OH। यहाँ पे इसमें हम देखें नेगेटिव माइनस जो है वो आयंस क्या है, आयंस जो है वो किसी भी एटॉमिक किसी भी एटम की जो चार्जेस शो होती हैं वो उसकी जो चार्जेस पार्टिकल्स होते हैं वो उसके आयंस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हमने हाइड्रोजन H प्लस ये जो है इसका आयन है, क्योंकि ये बताता है कि हाइड्रोजन ये चार्ज पार्टिकल जो है ये जो है एटम इसका चार्ज पार्टिकल वो पॉजिटिव वाला है, ठीक है, यानी कि इसने जो है वो अपना एटम्स दूसरे चाहे वो किसी सॉल्यूशन के साथ हो या फिर एसिड का बेस के साथ जो रिएक्शन होता है तो वो एक दूसरे से एटॉमिक नंबर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयरिंग करते हैं या गेन करते हैं या लॉस करते हैं, तो उसमें उनकी चार्जेस जो रह जाती है वो उसके आयंस कहलाती हैं। एंड अगर हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में इन अ सॉल्यूशन If in a solution produce more hydrogen hydroxide ions, they have strong alkalis। अगर किसी solution में hydroxide ions जो है वो ज़्यादा जो होते हैं release होते हैं तो ज़्यादा बनते हैं तो वो क्या होगी वो strong alkalis कहलाएगी। Strong alkalis and नंबर फोर दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लाइक एसिड, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर कोरस नंबर फाइव दे कोरस फॉर क्लॉथिस लाइक एसिड फॉर क्लॉथिस स्ट्रॉन्ग जो होगी स्ट्रॉन्ग अल्कलीज सॉरी बिकॉज वीक अल्कलीज आर वीक एसिड्स वी यूज इन अवर डेली लाइफ एंड अवर फूड्स सो स्ट्रॉन्ग अल्कलीज स्ट्रॉन्ग अल्कलीज आर कोरोसिव। For clothes and skin, जो strong alkalis होंगी वो अगर हमारे skin पे होगी skin पे या clothes पे जैसे ही गिरेगी तो वो क्या करेगी वो उसे burn करके उसके लिए वो कोरोजन की अगर जेकर असें कपड़न ते जेकर strong alkalis करनी तो असें कपड़न के गारे छंदी उन खां पोइ ख़त्म माना उहे सड़ींदा सड़ण वांगुरु थींदा जीअं कपिड़ो गरी वेंदो आहे ऐं उनखां जेकॾहिं स्किन ते पए थी पई हिन जा ड्रॉप्स जेकॾहिं स्ट्रॉन्ग अल्कलीज़ जा ड्रॉप्स जेके आहिनि उहे असांजी स्किन ते किरंदा त असांजी स्किन जेके आहिनि उहा बर्न अप जीअं असांखे जीअं सड़ण वांगुरु शइ थींदी आहे ईअं असांजी साड़े छॾींदी ऐं उन ते ब्लैक कलर जो निशान छॾींदी। ऐं नंबर सिक्स अल्कलीज़ फील सोपी नंबर सिक्स अल्कलीज फील सोपी इट मीन्स अल्कलीज जेकी भी जो भी चीज़ें अल्कलीज वाली होंगी वो हमें सोपी यानी कि चिपकी हुई महसूस होंगी फील होंगी यानी कि असांखे चिंबरण वांगुरु या ग्रीसी वांगुरु असांखे फील थींदी फिट वांगुरु। नंबर लास्ट सेवन नंबर सेवन अल्कलीज टर्न पीएच पेपर कलर ऑफ द पर्पल कलर। अगर हम उसे पीएच पेपर भी यूज करेंगे चेक करेंगे दे टर्न ऑन पीएच पेपर पर्पल कलर। पर्पल कलर पीएच क्या है पीएच जो है वो पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि इसमें जो है वो अगर हम अल्कलीज को अल्कलीज के सॉल्यूशन को हम चेक करेंगे जो है वो पीएच पेपर पे तो वो जो कलर जो होगा वो अपना क्या शो करेगा पर्पल कलर शो करेगा।
तो क्लियर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज। नंबर सेकंड, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, इन केमिकल प्रॉपर्टीज, इफ अल्कलीज रिएक्ट विथ अमोनियम कंपाउंड टू प्रोड्यूस अमोनिया गैस, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस, कैल्शियम जो होगा वो क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम जो होगा वो क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड, सॉरी क्लोराइड और प्लस जो है वो हाइड्रोक्साइड जो है वो अमोनियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, इसमें हाइड्रोजन जो है वो वाटर बनेगा, इसकी जान के स्टीम बनेगी और अमोनिया गैस बनेगी। H2O प्लस अमोनियम गैस वाटर लाइक स्टीम की तरह, भाप की तरह, और अमोनिया गैस बनेगी। अमोनिया गैस, अगर इसमें फॉर्मूला लिखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या होगी, इसकी फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड दे रिएक्ट टुगेदर, दे प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड, प्लस वाटर एंड प्लस अमोनिया NH3 व्हिच इज गैस। सो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगी तो वो क्या बनाएगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर जो स्टीम फॉर्म में होगी एंड अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी। एंड नंबर सेकंड, इफ अल्कली रिएक्ट विद एसिड्स दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, फॉर एग्जांपल अगर अल्कलीज जो है वो रिएक्ट करती है एसिड के साथ, फॉर एग्जांपल अल्कलीज में सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेगी नाइट्रिक एसिड के साथ, प्लस क्या बनाएगी, सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर। अब ये क्या होगी, ये हो गई अल्कलीज, ये हो गया एसिड्स, when they react together they produce sodium nitrate
सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर। तो अल्कलीज और एसिड जब आपस में रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, अल्कलीज और एसिड्स जो कि वो प्रोसेस जो होगा वो न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि सोडियम नाइट्रेट है वो न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा। जब हमने अल्कलीज और एसिड को आपस में रिएक्शन करवाया तो ये हो गया न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट प्लस ये हो गया वाटर, प्लस वाटर। तो ये सब प्रोसेस हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन। इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है वो एसिड और अल्कलीज जब आपस में रिएक्ट करती हैं तो वो दोनों उनका जो कलर जो होता है वो दोनों आपस में जब रिएक्शन करते हैं, भाई जने पानी में रिएक्शन करते हैं तो ये पानी न्यूट्रल चीज़ें यानी कि वो ना एसिड फॉर्म में रहती है ना बेसिड फॉर्म में, ना ही वो अल्कलीज रहती है ना ही वो एसिड रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था कि लिटमस पेपर या पीएच पेपर पे 1 से लेकर जो है वो 7 तक जो होता है वो क्या होता है, वो एसिड कहलाती है। किसी भी की जो है वो अगर पीएच वैल्यू जो होती है 1 से 7 तक वो होती है 6 तक एसिड्स, और 7 से अगर ऊपर है 12 तक तो वो कहलाएगी क्या, अल्कलीज। अल्कलीज तो 7 जो है इनकी जो है वो न्यूट्रल पॉइंट है, 7 जो इसकी क्या है, न्यूट्रल पॉइंट एंड न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। तो जब हम एसिड्स और अल्कलीज को आपस में रिएक्शन कराते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, न्यूट्रल बन जाते हैं आपस में रिएक्शन करके, क्लियर। नाउ यूजेस ऑफ अल्कलीज, there are two properties, physical properties. We learn about physical properties and chemical properties. Now we learn about the uses of uses of alkalis. We use alkalis as a neutralized acid, number one. Uses of alkalis, number one. Alkalis use used for neutralize acid को neutralize करने के लिए हम alkalis को use करते हैं, and second some alkalis used for laboratory reagents, number second some alkalis are used for laboratory फॉर एग्जाम्पल यानी कि लेबॉरेटरीज में जो है वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, उधर लेबॉरेटरी मुख्तलिफ जो है वो प्रोसेस करने के लिए चीज़ें बनाने के लिए वहाँ पे अल्कलीज को यूज़ किया जाता है। एंड नंबर थर्ड सम अल्कलीज यूज फॉर मेक सोप, सम अल्कलीज यूज फॉर मेक सोप, साबुन बनाने के लिए अल्कलीज को यूज करते हैं। एंड नंबर फोर अल्कलीज यूज फॉर क्लीनिंग द ग्रेसी ओवन। यू नो जब हम घर में जो हम ओवन यूज़ करते हैं जो फूड बनाने के लिए खाद ठाहिण सां जेके चूल्हा इस्तेमालु कंदा पिया, उहे छा थींदा उते असां जी खाद ठाहिण दौरान
यानी कि ॿ टिनि ॾींहंनि में छाकाणि उन्हनि ते जेके असां सफ़ाई घटि रखंदा आहियूं उन्हनि जी, त उन जे मथां जेको आयल जे ड्राफ्ट लेट्स किरंदा रहंदा आहिनि अक्सर, त उहे उन ते ॼमंदा वेंदा आहिनि, त उहे जेके उन ते सणब थींदा आहिनि, ग्रीसी मीन्स सणब, जेके चूल्हनि ते जो चूल्हे होते उन पे जो चिकनाहट होती है रहती है, उसे साफ़ करने के लिए हम अल्कली यूज़ करते हैं। जेका चूल्हनि ते ओवन ते जेका आहे चिकनाहट सणब रहिजी ईंदो आहे, उहो ॼमी ईंदो आहे, हिकिड़ो लेयर ठाहींदो आहे, उनखे साफ़ करण लाइ असां अल्कली यूज़ कंदा आहियूं। ऐं नंबर 5, अल्कली यूज़ फॉर पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्रीज में यूज़ की जाती है, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज़ की जाती है। और नंबर 6, अल्कली यूज़ फॉर हाउस होल्ड ब्लीचिंग और ब्लीच, यानी कि घरों को साफ करने के लिए जो है वो हम अल्कलीज यूज करते हैं, वो डिफरेंट, फॉर एग्जांपल जैसे कि फिनाइल्स हो गए, फिनाइल्स या फर्निश जो मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं यूज़ करते हैं घरों को साफ करने के लिए, वॉश करने के लिए, उसमें भी हम जो है अल्कलीज यूज़ के, उनमें अल्कलीज मौजूद होती है। एंड नंबर लास्ट 7, सॉरी, अमोनिया यूज़ इन अल्कलीज। तो उसमें जो होती है वो हाउस होल्ड्स में ब्लीचिंग में जो होती है वो कौन सी अल्कली यूज़ करती है, उसको हम अमोनियम यूज़ करते हैं उसमें, अमोनिया। एंड नंबर लास्ट अमोनिया, इज एन अल्कली। अमोनिया इज एन अल्कली व्हिच वी यूज फॉर फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स के लिए भी हम जो है वो अल्कलीज को यूज़ करते हैं। सो दिस इज अल्कलीज। नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ अल्कली न्यूट्रलाइजेशन इन आवर डेली लाइफ, जो हम अपने घरों हर रोज़ाना तौर पर ज़िंदगी में जो हम अल्कलीज और एसिड्स को न्यूट्रल करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं वो पढ़ेंगे। नंबर 4 पॉइंट टॉपिक, एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन आवर डेली लाइफ। ओवर ईटिंग फर्स्ट जो है इसमें आते हैं हम इनडाइजेशन, इनडाइजेशन कैसे होती है, यानी कि बदहाजमा। इसमें क्या होता है कि हम जो ओवर ईटिंग या जो है हम फूड जो होता है वो हम पॉइजनस फूड खाते हैं या जो है हम रॉन्ग काइंड यानी कि ख़राब चीज़ें खाते हैं, तो उसमें से क्या होता है हमें इनडाइजेशन हो जाती है, यानी कि ज़्यादा खा जाना घणे खाइण सां या वरी ख़राब खाधा पारूदा खाधा खाइण सां या फ्रूट्स वग़ैरह आहिनि या खाधो ख़ुराक जेका आहे उहो ख़राबु आहिनि, उनखे असां खाइण तौर ते यूज़ था कयूं त उन सां छा थींदो असांजी इनडाइजेशन थींदी आहे। घणे खाइण सां ऐं बिकर खाधे खाइण सां छा थींदो जेका असांजी स्टमक में जो हमारे स्टमक में HCl होती है, मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होती है, वो स्टमक जो होता है हमारे टू मच प्रोड्यूस HCl, यानी कि स्टमक जो होता है वो हमारी ज़्यादा मिकदार में HCl प्रोड्यूस करता है, इसलिए हमें क्या हो जाती है एसिडिटी, दिस इज कैन कॉज एसिडिटी। जब हम ज़्यादा खा जाते हैं तो स्टमक जो होता है उसे ब्रेक डाउन करने के लिए, उसमें जो पॉइजनस सब्सटेंस को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा अमाउंट में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, तो इस वजह से क्या होता है कि HCl की ज़्यादा होने की वजह से हमें एसिडिटी फील होती है स्टमक में। तो हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं डिफरेंट सोर्सेज ऑफ अल्कलीज, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इनो हो गया या
जो मुख्तलिफ टेबलेट्स होती हैं उसे एसिडिटी के लिए यूज़ करते हैं, वो हमारे क्या होती हैं, अल्कलीज होती हैं। उसमें क्या होते हैं हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड होती हैं और दूसरी चीज़ें होती हैं जो हमारे एसिडिटी को जो होते हैं वो न्यूट्रलाइज करते हैं। उसमें ड्रिंकिंग सोडा और बेकिंग सोडा जो हम सॉल्यूशन जो होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे इनो हो गया, इसमें बेकिंग सोडा होती है, और जो टेबलेट्स होती हैं कुछ टेबलेट्स यूज़ करते हैं हम, उसमें क्या होते हैं, दे कंटेन अल्कलीज। जॾहिं असांजे स्टमक में घणे खाधे खाइण खां HCl जेका आहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड घणी वधी वेंदी आहे त असांजी एसिडिटी महसूसु थींदी आहे, ऐं इन जे करे असां में छा कंदा आहियूं, उनखे न्यूट्रल करण जे लाइ, एसिडिटी ख़तमु करण लाइ असां हुनखे अल्कलीज वारी शयूं यूज़ कंदा आहियूं। अल्कलीज वारी कहिड़ी जीअं फॉर एग्ज़ाम्पल इनो आहे, इनो में बेकिंग सोडा जेके सॉल्यूशन्स हूंदियूं आहिनि या टेबलेट्स हूंदियूं आहिनि उहे यूज़ कंदा आहियूं असां, त हिननि में अल्कलीज हूंदी आहे। इहा अल्कलीज छा कंदी आहे, उन एसिडिटी सां वञी करे रिएक्ट कंदी आहे त उते उहो प्रोसेस जेको हूंदो आहे उहो न्यूट्रलाइज़ थींदो आहे, इन करे असांखे उहा एसिडिटी जेका हूंदी आहे उहा असांजी ख़तमु थी वेंदी आहे। नंबर सेकेंड टू जेके टूथ ॾिसे डिके ॾंदनि जो ख़राबु थियणु, दांतो ख़राबु हुजनि आहे, वाट्स हैपन हेयर, जब हम चीज़ें ज़्यादा मीठी चीज़ें हम खाते हैं, घणी मिठाण वारी शयूं खाईंदा आहियूं, या फिर जो होते हैं वो जो हमारे फूड होते हैं जिसमें हमारे शुगर होती है, हम पेस्ट जो है वो टूथब्रश जो होते हैं वो कम करते हैं, टूथपेस्ट कम करते हैं, तो इससे क्या होता है कि एक हमारे दांतों के ऊपर एक लेयर बन जाती है स्वीट्स की वजह से, एक एसिड की, कोटिंग हो जाती है यानी कि एक लेयर हो जाता है जिसे प्लक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, प्लक, प्लक, व्हाट्स प्लक, प्लक इज द कोटिंग लेयर ऑफ एसिड। जो हम चीज़ें खाते हैं उसमें से जो जेके मिठाण आहियूं, घणी शयूं आहिनि मिठाण वारियूं, उनमें से खाईंदा रहंदा आहियूं, मुसलसल खाईंदा रहंदा आहियूं, असां हिनखे पंहिंजे ॾंदनि जो घटि ख़्यालु कंदा आहियूं, उते हिकिड़े असांजे ॾंदनि जी लेयर ते हिकिड़ी प्लग हिकु लेयर ठहंदी वेंदी आहे, ॼमंदी वेंदी आहे पीले कलर जी, उन में छा हूंदो आहे, उन में एसिड हूंदी आहे जेका असांजे टूथ खे ख़राबु कंदी आहे। पोइ उन में असां छा कंदा आहियूं, वी यूज़ टूथपेस्ट अल्कलीज वारी शयूं यूज़ कंदा आहियूं। अल्कलीज छा में हूंदी आहे उहा, टूथपेस्ट में, टूथपेस्ट घटि अमाउंट में अल्कलीज हुन में हूंदी आहे, ऐं उहा अल्कलीज छा कंदी आहे, हुनखे न्यूट्रलाइज कंदी आहे, ऐं हुन जे असर खे बेअसर कंदी आहे, एसिड जे असर खे बेअसर कंदी आहे, ऐं हिन सां असांजा जेके ॾंद हूंदा आहिनि जो हमारे दांत होते हैं वो हमारे प्रोटेक्ट होते हैं। तो ये भी जो होते हैं इस यहाँ पे भी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है। एंड नंबर थर्ड लास्ट जो होता है वो इंसेक्ट्स बाइट्स, इंसेक्ट्स बाइट्स यानी कि जीतन जो डंग, फॉर एग्जांपल लाइक अ बी एंड एंट, बी यानी कि माखी जी मक्खी, शहद की मक्खी, एंड एंट माकोड़ या मकोड़ी, इन जे डंग करण सां छा थींदो आहे, इन्हनि में जेका हूंदी आहे असांजी एसिडिटी हूंदी आहे, इन में छा हूंदी आहे उहा एसिड्स हूंदियूं आहिनि, दे कंटेन एसिड्स, इन करे असांखे हुते माना असांजी जलन महसूसु, अंदरि जलन महसूसु थींदी आहे, सोजिश पैदा थींदी आहे। त वॉट वी कैन डू हेयर, अस हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उस जहाँ पे हमें इनकी जो इनका जो डंग लगता है, जिते असांखे इन जा डंग लॻंदो आहे, उनखे असां ऑनियन जेको आहे ऑनियन यूज़ करे सघूं था, छाकाणि ऑनियन में छा हूंदो आहे, अल्कली हूंदी आहे, ऑनियन कंटेन अल्कलीज विच न्यूट्रलाइज द bites of bee and ant and we can feel it neutral, asan ke bee asar mehsoos kandasi, asan wa takleef ghat ji windi, and
वास्प स्टिंग यानी कि डेंगू जो हों अच्छा उनमें हों ऑनियन अल्कलीज कंटेंट हों उनमें अमोनिया होंगी है ऑनियंस में जो अल्कलीज होंगी है ऑनियन कंटेंट अमोनिया हो जाए सो कारण अल्कलीज अमोनिया जो होती है वो कंटेंट होती है अल्कलीज सो सेकेंड वास्प स्टिंग्स आर अल्कलाइन विच न्यूट्रलाइज बाय द रबिंग द वाउंड विथ विनीगर विच इज एसिडिट अगर वरी जेकर वास्प आए यानी डेंगू इन जो डंग है इनमें इनमें होंगी है अल्कली इन में होंगी अल्कली इन असंदी न्यूट्रल करना असि वह शे खे जो अस जैमें एसिड हो फॉर एग्जाम्पल जो अस विनीगर आ विनीगर कंटेन एसिड्स जब वैस्प हमें डंग लग जाता है इसके जैसे असेंगे वैस्प जो डंग बैट कह तो असेंगे उन जाते विनीगर जो अस फट से उन वाउंड से जख्म से उत विनीगर के यूज कंदी तो विनीगर में एसिड होंगी है वह छी उन वैस्प के अल्कलीज के न्यूट्रल कर सी असेंगे वो न्यूट्रल फील तो ये असि टॉपिक छू लेक्चर नंबर 2 में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मिलता तेस अल्लाह।